Students, welcome back to my computer education class. Well, today we will solve the remaining exercise of chapter number 1. Chapter number 1 ki hum remaining exercise solve karenge. Hamare question answer aur match the columns reh gaye, wo hum isko cover kar lenge. Main aapko pichli hi tarah ke questions jo hain bataungi aur aapne uske answers isse dekh ke likhte jana hai. ठीक है, राइट डाउन द आंसर्स और फिर आपने क्या करना है कि इस वीडियो को जगह जगह पास करके और अपने आंसर्स अपनी नोटबुक्स में लिख लेने हैं. ठीक है, सो हियर इज द फर्स्ट वन. राइट फाइव एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर. ठीक है, कंप्यूटर इस्तेमाल करने के 5 फवायद. ठीक है, ये सब लिखे हुए हैं, उतार लेंगे वीडियो को पॉज करके. अगर आपको कोई भी वर्ड समझ नहीं आता उर्दू में, ये उर्दू में भी लिखा हुआ है, ये देखें. ठीक है, सेकेंड वन इज वट इज हार्डवेयर. राइट द नेम्स ऑफ 5 हार्डवेयर डिवाइसेस. ये देखिए बच्चों, लिखा हुआ लिख लें. थर्ड वन इज राइट फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड कीज. कीबोर्ड कीज के फंक्शंस लिखने हैं आपने, और ये सारे फंक्शंस लिखे हुए उतार लें. व्हाट डज द प्रोसेसर डू, क्वेश्चन नंबर 4, ये लिख लें. मैं आपको समझा चुकी हूँ. वट इज मेमरी, इज इट अ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस, ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये लिख लें और उर्दू में भी पढ़ लें. क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क के बारे में आपने छोटा सा नोट लिखना है, वो लिख लें और उसकी उर्दू भी पढ़ लें. क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट एडवांटेजेस ऑफ यूएसबी फ्लैश मेमोरी. ठीक है, यूएसबी फ्लैश मेमोरी के आपने फवायद लिखने, वो इसे देख के लिख लें और उर्दू भी इसके पढ़ लें, समझ लें. क्रैमिंग नहीं करनी, बार बार आपको मैं ये कह रही हूँ. एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स. मॉनिटर्स के बारे में पढ़ा था हमने और साथ लिखा भी हुआ है. ठीक है, ये देखिए एक्सप्लेन कर दिया हमने. व्हाट इज अ मॉडेम, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप, ये भी लिख लें. 9th क्वेश्चन, ये लिख लें. एक्सप्लेन द आउटपुट ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, लिख लें. 10th क्वेश्चन, और इसकी उर्दू पढ़ लें, समझ लें इसको. जी, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी एंड राइट द नंबर्स ऑफ मैचिंग पेयर्स इन कॉलम सी. ठीक है, ये आपने करना है. क्या करना है आपने, कॉलम सी में जो मैच कर रहे हो उन दोनों के पेयर्स आपने लिखने हैं. यानी कि आई अगर एफ से मैच हो रहा है तो आई और एफ लिखने हैं. ये देखें जिस तरह उन्होंने लिखा हुआ है. आई कह रही हूँ 1, अगर सेकंड वन किससे मैच हो रहा है, ए से, तो आप 2 और साथ में ए, जिस तरह इन्होंने सॉल्व किया उस तरह आप सॉल्व करते जाए. यानी कि सॉफ्टवेयर क्या है, LCD. ठीक है, इनपुट डिवाइसेज इनमें से क्या है, कीबोर्ड. ऑडियो आउटपुट किससे मिलता है हमें, स्पीकर से. मॉनिटर हमें किससे मिलता है, मॉनिटर हमें क्या देता है, LCD से. ठीक है, और रैम क्या होती है, मेमोरी. मॉडेम क्या होती है, कम्युनिकेशन डिवाइस. ठीक है, इन्होंने सॉल्व किया हुआ पीछे आगे ऑन योर राइट साइड. अपने राइट साइड की स्क्रीन पे देखें कि इन्होंने सारे सॉल्व किए हैं. एस्केप की से क्या होता है, टर्मिनेट द प्रोग्राम. ई पार्ट पे देखें लिखा हुआ है. और आउटपुट ऑपरेशन यानी कि 10th वाले के साथ डी लिखा हुआ है, तो आपने डी को करना है प्रोड्यूस रिजल्ट. ठीक है बच्चों, इस तरह आपने करना है. और ये आप मैच भी कर सकते हैं कि 3 वाला बी के साथ मैच करें और इस तरह 4 वाला इसके साथ मैच करें. ठीक है बच्चों, ये आपने कर लेना है. अब आपने क्या करना है कि ये MCQs करने, ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर में हुए हैं, मैच दी कॉलम्स करने, क्वेश्चन आंसर करने, शॉर्ट आंसर्स करने. ठीक है, ये 3-4 चीजें आपने इसके सॉल्व करके अपनी नोटबुक्स कंप्लीट कर लेनी है. एंड लेट मी चेक देम इन फोटोज, आप पिक्चर्स ले लें और मुझे सेंड कर दें. ठीक है बच्चों, मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, उसमें भी सेंड कर दीजिएगा. ठीक है, सो कंप्लीट योर वर्क, टेक केयर, अल्लाह हाफिज बच्चों.